नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा माननीय संसदीय राजभाषा समिति की पहली उपसमिति का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार भारत सरकार द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए गए। ये सह शिक्षा वाले आवासीय विद्यालय भारत सरकार द्वारा प्रशासित एवं पूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त एक स्वायत्त संस्थान नवोदय विद्यालय समिति के माध्यम से संचालित है। इसके अंतर्गत वर्तमान में 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों में कुल 661 नवोदय विद्यालय कार्यरत हैं। प्रत्येक संभाग कुछ राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मिलित कर बनाया गया है। इन्हीं 8 संभागों में से एक भोपाल संभाग है। यह संभाग उपायुक्त श्रीमती मृदुला त्रिपाठी के दिशा निर्देश अनुसार संपादित किया जा रहा है। इस संभाग में 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा शामिल हैं। इनमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क क्षेत्र में आते हैं, वहीं ओडिशा ग क्षेत्र में आता है। नवोदय विद्यालय समिति भोपाल के अंतर्गत इन तीनों राज्यों में 113 जवाहर नवोदय विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिसमें 54 विद्यालय मध्य प्रदेश में, 28 छत्तीसगढ़ में और 31 विद्यालय ओडिशा में स्थित है, जहां राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के नियमों का पालन किया जाता है। इस कार्यालय में राजभाषा अधिकारी श्रीमती नीलम पाणी एवं राजभाषा सहायक के रूप में श्रीमती श्यामवती चौधरी कार्यरत हैं। इनके अतिरिक्त कार्यालय में 6 सहायक आयुक्त एवं 25 अन्य कर्मचारी हैं। समय समय पर समिति के अधिकारी संबंधित विद्यालयों में होने वाले पैनल निरीक्षण के दौरान शैक्षणिक एवं शैक्षणिकेतर गतिविधियों के साथ साथ वहां राजभाषा में किए जा रहे सार्थक प्रयासों का भी सूक्ष्मतापूर्वक निरीक्षण करते हैं और राजभाषा के संवर्धन के लिए समुचित सुझाव देते हैं, ताकि राजभाषा विभाग की कसौटियों पर खरे उतर सके। नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के विविध कार्य अनुभागों में विभाजित हैं और हमारे सभी अनुभाग हिंदी की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए दृढ़ संकल्पित और स्वप्रेरित हैं। यही कारण है कि इस कार्यालय में हिंदी में कार्य प्रतिशत में वृद्धि हुई है। राजभाषा नियम के अनुपालन में विविध प्रकार की पंजिकाएं, मुहर, नाम की पट्टिकाएं आदि द्विभाषी रूपों में उपलब्ध हैं। यहां प्रतिदिन आज का सुविचार हिंदी में लिखा जाता है एवं हिंदी के नए शब्द को हिंदी अर्थ के साथ साथ अंग्रेजी में भी लिखा जाता है। यहां हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाते हैं और अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी यथासंभव हिंदी में दिए जाते हैं। भोपाल संभाग के कार्यालय एवं संबंधित नवोदय विद्यालय में राजभाषा हिंदी के प्रयोग पर आधारित हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया जाता है, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। नवोदय क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत ग क्षेत्र में आने वाले ओडिशा राज्य के विद्यालय में सांस्कृतिक और कला के क्षेत्र में क्रियाकलापों को राजभाषा में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उस क्षेत्र में भी हिंदी को पूरी तरह से बढ़ावा दिया जा सके, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। नवोदय विद्यालय से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी देश के विभिन्न भागों पर कार्यरत है और अपनी कर्तव्य निष्ठा और कठोर परिश्रम से नवोदय विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। समिति का उद्देश्य वाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है उत्कृष्ट ज्ञान सर्वोपरि है, तथा नवोदय विद्यालयों का सूत्र वाक्य अर्थात शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए शिक्षा के मानक उद्देश्यों को इंगित करता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।